अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल फूड वैली बाय सन्नो। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। और अप्सरा की रिपोर्ट्स जो हैं वो आ चुकी हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अप्सरा का टेस्ट वगैरह करवाए हैं, उसके बाद मज़ीद डॉक्टर ने टेस्ट लिख कर दिए थे अप्सरा के। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है सारे रिपोर्ट्स क्लियर हैं और अप्सरा की आइज़ भी अब तो ठीक हो चुकी हैं। काफ़ी अल्लाह का शुक्र है। बस वो अप्सरा की आइज़ जो है वो इसलिए ख़राब हो गई थी, स्वेलिंग हो गई थी, क्योंकि अप्सरा ने बर्थडे पे अपनी जो स्नो वाली जो स्प्रे है वो अपनी आइज़ पे मार दी थी। तो उसके बाद जो है वो 5 दिन के बाद उसकी आइज़ जो है वो स्वेलिंग होने शुरू हो गई थी। तो अब अल्लाह का शुक्र है वो ठीक हो गई है। तो इसलिए डाउट था कि पता नहीं किस वजह से अप्सरा की जो आईज़ जो है वो इस तरह से सूज गई हैं। तो टेस्ट वगैरह भी सारे फिर क्लियर आए हैं, किडनी वगैरह के सारे टोटल टेस्ट अप्सरा के हुए हैं। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सारे टेस्ट जो है क्लियर हैं। और ये जो पार्सल जो आप देख रहे हैं, जो मैंने अभी ओपन किया है, ये आया है मेरी अम्मी के घर से। मेरी अम्मी ने और मेरी भाभी ने इसमें मेरे लिए और अप्सरा के लिए चीज़ें भेजी हैं, गिफ्ट्स वगैरह। मेरी भाभी जो है वो उम्रे पर गई थी, वहाँ से मेरे लिए मेरे बच्चों के लिए बहुत सी चीज़ें लेकर आई हैं। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ सारी चीज़ें। और ये भाभी तो मेरी रमज़ान से पहले आ चुकी थी उम्रे से, और माशाल्लाह उन्होंने उम्रा किया वो काफ़ी सारे, और 3 मंथ वहाँ पर रही हैं और वहाँ से हमारे लिए गिफ्ट्स वगैरह लाई हैं। तो अभी हम ओपन करते हैं इनको और आपको भी दिखाते हैं। तो अम्मी ने भी कपड़े वगैरह सिलवाए, तो फिर वो भी उन्होंने अम्मी ने भी भेजे हैं, मेरे भी बच्चों के भी भाई ने, सब ने मिलकर हमारे लिए गिफ्ट्स वगैरह भेजे हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये है अप्सरा के कपड़े और रौनक के, सेम कपड़े हैं, लोन के हैं। और इसकी जो है इसके साथ, ये तो शलवार पजामे हैं और इसके साथ देखते हैं क्या है, इसके साथ ये फ्रॉक्स हैं। इसके साथ ये फ्रॉक्स हैं, वाओ ब्यूटीफुल और बहुत ही ज़बरदस्त। और स्टिचिंग भी बहुत ही सफाई से की है, और स्टिचिंग मेरी आंटी हैं उन्होंने की है, बहुत ही अच्छे कपड़े स्टिच करती हैं वो। और अगर किसी को सिलवाने हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं आपको स्टिच करवा के दूंगी। और अगर किसी को टेलर से स्टिचिंग करवानी है वो भी मुझे बताइएगा। मैंने अपनी वीडियो भी एक डाली है, आप मेरे चैनल पर जाके विज़िट करें स्टिचिंग के बारे में। वहाँ से आपको अगर स्टिचिंग करवानी है तो आप मुझे बताएं, मैं आपको चीप प्राइस में स्टिचिंग करवा कर दूँगी और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद भी आएगी। चलें अब जल्दी से देखते हैं कि और क्या है इसमें। और ये है शर्ट्स, ये रौनक और अप्सरा की सेम है, और ये भी रौनक का ड्रेस है, ये भी नाइस है, बहुत ही अच्छा स्टफ़ है, सॉफ्ट है, और अप्सरा को तो सॉफ्ट ही अच्छे लगते हैं ड्रेसेस जो भी हैं। और ये वाओ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ड्रेस। नेक्स्ट देखते हैं, और ये है चॉकलेट्स रौनक और अप्सरा के लिए, अप्सरा की फेवरेट चॉकलेट डेरी मिल्क। और ये है वो माइक जिससे अभी मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ, और ये मेरे भैया ने मुझे भेजा है, थैंक यू सो मच भाई। अभी आपको मेरी आवाज़ काफ़ी लाउड आ रही होगी, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये है अप्सरा का ड्रेस, और ये शर्ट्स है, शर्ट जो है मुझे लगता है ये जो रौनक का मैंने प्लाजो निकाला था ये उसके साथ की है। चले आगे पीछे हैं, बाद में हम इनको मैच कर लेंगे। ये जो पिंक शर्ट मैंने पहले निकाली थी उसके साथ का है, और ये भी रौनक का है, लेकिन रौनक को बड़ा लग रहा है, दोनों ही रौनक के बड़े लग रहे हैं। और ये है मेरा बैग जो कि बहुत ही खूबसूरत है, वाओ ब्यूटीफुल माशाल्लाह। और ये मेरे भाई और भाभी दोनों की चॉइस है, बहुत ही प्यारा बैग है, और मैं ऐसे ही बैग वेयर करती हूँ, मुझे ज़्यादा बड़े अच्छे नहीं लगते, बहुत प्यारा है, थैंक यू सो मच। और जब ये बैग लेने गए थे भाई और भाभी, मुझे याद है उन्होंने मुझे कॉल किया था और मुझे कहा था कि जिसमें से चॉइस करो कि कौन सा बैग तुम्हें चाहिए, और मुझे इतने सारे सारे ही अच्छे थे कि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं कौन सा जो है वो पसंद करूं। फिर लास्ट में ये भाई की चॉइस का मैंने लिया, और बहुत ही प्यारा है, थैंक यू। और ये स्लीपर्स अप्सरा की और आयत की सेम,
वाओ ब्यूटीफुल, अप्सरा की मोस्ट फेवरेट एल्सा बनी हुई है इस पे, और बहुत ही खूबसूरत है ये भी, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत अच्छी हैं सारी चीज़ें, बहुत अच्छी हैं। भाभी ने इतने सारे गिफ्ट्स भी भेजे और साथ में एक सरप्राइज और भी था जो मेरे इजी पैसा अकाउंट में आया था, और वो था ईदी मेरे लिए और बच्चों के लिए। आज इतनी गर्मी है ना कराची में कि क्या बताऊँ, रिपोर्ट्स लेने गए थे अप्सरा की, बहुत ज़्यादा गर्मी। ये है क्लिप और ये है एक और ड्रेस, सेम ड्रेस है। ये जो है वो अप्सरा की कज़न फ्रेंड है हुरिया, ये उनके लिए है सेम ड्रेस जैसा कि अप्सरा का है वैसा ही उसका भी है, और वो जो है वो अप्सरा के ही जितनी है, तो बहुत ही ज़बरदस्त और ब्यूटीफुल ड्रेस है। और ये आयत की शर्ट्स है, शर्ट है मैजिक शर्ट, नाइस ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये है मेरा ड्रेस, ये मेरी मम्मा ने मेरे लिए बनवाया है, और लॉन तो बहुत ही ज़बरदस्त है, सॉफ्ट, और ये स्टिचिंग भी बहुत ही प्यारी की है, और घर में पहनने के लिए इस तरह के सिंपल जो हैं वो ड्रेस बहुत अच्छे लगते हैं, ताकि आप इजीली काम वगैरह कर सकें। और मैं तो घर में अक्सर सिंपल ही ड्रेस पहनना पसंद करती हूँ, इस तरह से डिज़ाइनिंग वगैरह के नहीं, तो बहुत ही अच्छा ड्रेस है। और ये अप्सरा और आयत की पोनिया वगैरह हेड बैंड है, और ये है ये भी ड्रेस मेरा है, और ये भी लॉन का ड्रेस है, और इसकी जो शर्ट है वो देखते हैं कैसी है, वाओ ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारे ड्रेस हैं। और ये मेरे भाई ने मेरे लिए लिया है, बहुत ही प्यारा है। मेरे भाई और मेरी छोटी भाभी का भी थैंक यू कि ये उन्होंने ड्रेस मेरे लिए भेजा, बहुत ही प्यारा ड्रेस है। और पिक्चर तो उन्होंने मुझे सेंड की थी ड्रेसेस की, चूज़ मैंने किया था, और स्टिचिंग भी बहुत ही अच्छी हुई है, नाइस, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें हैं, वन टू वॉल सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और अप्सरा को तो बहुत ही पसंद आई हैं इसकी जो स्लीपर्स हैं, और ख़ास तौर पर जो अप्सरा का ब्रश है हेयर ब्रश, वो अप्सरा को बहुत पसंद आया है। और ये जो है ये है अबाया, और ये अबाया जो है वो मेरी कज़न का है, भाभी ने मेरी उनके लिए भेजा है, और एक पार्सल जो है हमारा वो अभी आना है, भाभी का पार्सल जो है वो अभी सऊदीया से उन्होंने कार्गो किया था, तो वो अभी पहुंचा नहीं है, तो वो ईद के बाद आएगा, तो ये वाला इसलिए उन्होंने मुझे सेंड कर दिया कि गर्मियां हैं तो, और ईद पे भी बच्चों के चलो कपड़े वगैरह पहन लेंगे। और ये है जय नमाज अप्सरा की छोटी सी, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है, तो इसलिए उन्होंने ना ये वाला पार्सल जो है पहले सेंड कर दिया, और दूसरे पार्सल में मेरा एक ड्रेस है, और मेरी दूसरी कज़न का भी अब आया है, और कुछ चीज़ें हैं, तो ये जो है ये आप इस जमजम का पानी है, और ये तो सबसे प्यारा गिफ्ट है, ऐसा गिफ्ट तो कोई भी नहीं है, ये बहुत ही प्यारा है। और अब जमजम का पानी है, पहले तो बोल रहे थे कि पानी अलाउ नहीं है लिक्विड आना, लेकिन फिर आ ही गया, कोशिश की उन्होंने, तो फिर उन्होंने पार्सल वालों ने सेंड कर दिया। और बहुत प्यारी चीज़ें हैं, अल्लाह उनके रिस्क में बरकत करे, और जिन्होंने हमारे लिए, जिन्होंने हमारा इतना ख्याल किया, और एक गिफ्ट लेने के बजाय हमारे लिए इतने सारे गिफ्ट लिए, मैं दिल का उनसे उनका थैंक यू करती हूँ, थैंक यू सो मच अगेन। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।